एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए दही के शोले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी स्नैक है। आप घर पर बनाकर फैमिली मेंबर को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए ये रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। सबसे पहले मैं दही से उसका पानी निकालूंगी। इसके लिए बर्तन के ऊपर छन्नी रखी है। छन्नी के ऊपर एक पतला कपड़ा रख दिया कॉटन का। अब यहाँ पूरी दही मैं कपड़े के ऊपर पलट दूंगी। मैंने आधा लीटर दूध से दही जमाया है। अब इसको हम ऐसे ऊपर करेंगे तो पूरा पानी निकल आएगा। इसको दबा दबा करके भी पानी निकाल लेंगे जितना निकल सकेगा। ये देखिए इतना पानी अभी निकल गया है। अब मैं इसकी गांठ लगा करके रात भर के लिए फ्रिज के अंदर रख दूंगी, जिससे सारा पानी बाहर निकल जाए। फ्रिज में ही रखेंगे नहीं तो खट्टा हो जाएगा। पूरी रात फ्रिज में रखने के बाद मैंने दही को बाहर निकाल लिया है। अब देखिए इतना दही का पानी रात भर में निकल गया है और हमारा ऐसा हंग कर्ड रेडी हो गया है। ये 250 ग्राम हंग कर्ड बना है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें मैं 100 ग्राम पनीर ग्रेट करके मिक्स कर दूंगी। मैंने कुछ सब्जियां हैंडी चॉपर से चॉप कर ली है, प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और गाजर। अब इन सबको मैं इस बॉल में मिक्स कर दूंगी। अब इसमें एक चम्मच नमक और एक चम्मच काली मिर्च डाल करके सबको मिला देंगे। इस तरह का टेक्सचर बनना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं। अब दही के शोले बनाने के लिए मैंने यहाँ बड़े साइज़ की ब्रेड ली है। इसके चारों किनारों को हम निकाल देंगे। अगर आपके पास छोटे साइज़ की ब्रेड है तो आप ये शेप नहीं बना पाएंगे उससे, तो मैं आगे बताऊंगी छोटे साइज़ की ब्रेड क्या शेप कैसे बनाएंगे। अब इस ब्रेड को मैं पानी में डुबो दूंगी। बस जल्दी डुबोना है और निकालना है, बहुत देर तक पानी में नहीं रखना है। और इसको दोनों हाथों के बीच में रख करके इसका पानी पूरा निकाल देंगे। अब इसमें मैं मिक्सचर रखूँगी, तो बिल्कुल कॉर्नर में रखना है मिक्सचर को और इसको एक कोने से दूसरे कोने तक मिलाना है। आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह रोल कर लेंगे। ये एक कोने को दूसरे कोने से मिला देंगे और इसका जो खुला हुआ एरिया है इसको हम चिपका देंगे। इसमें पानी लगा हुआ है इसलिए ये आसानी से चिपक जाता है। देखिए मैं पास से करके बता रही हूँ आपको, इस तरह इसको हम चिपका देंगे और दोनों हाथों के बीच में रख कर इसके राउंड राउंड कर देंगे, जिससे ये अच्छा सा एक शेप बन जाएगा। अब मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इस तरह चारों तरफ घुमा घुमा करके इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमारे ब्रेड रोल या दही के शोले आप इसको बोल सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हुए थे। ये हमारे दही के शोले रेडी हो गए हैं। ये मैंने काट के भी दिखाया, बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये छोटी साइज़ की ब्रेड है, इसके भी किनारों को मैंने काट लिया है और इसको पानी में डुबोएंगे और इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। फिर इसका मिक्सचर हम इसमें एक लंबा थोड़ा सा शेप करके बीच में रख देंगे लंबाई में, और इसको ऐसे पूरा फोल्ड करके ब्रेड से कवर कर देंगे। तो ये हमारा एक ब्रेड रोल कबाब बन जाएगा, या आप इसको कटलेट भी बोल सकते हैं। ये इस तरह देखिए, ये हमारा ब्रेड रोल कटलेट रेडी हो गया। अगर आप पानी में इसको ब्रेड को नहीं डुबोना चाहते तो ऊपर से ऐसे ब्रेड में पानी लगा करके बीच में मिक्सचर रख देंगे। मैं आपको ये तीसरी तरह का शेप बता रही हूँ और इसको बॉल जैसा बना लेंगे। पूरा इसको कवर कर देंगे ब्रेड से और ऐसा गोल गोल तैयार कर लेंगे। इस तरह हमारे ये दोनों शेप भी रेडी हो गए हैं। इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी।
आप कोई भी शेप बनाइए, टेस्ट वही आता है। कुरकुरे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और इसका मिक्सचर तो बिल्कुल इतना ज़्यादा यम्मी बना था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप खुद बनाइएगा तो आपको पता चलेगा, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। देखिए अंदर से कितने अच्छे लग रहे हैं।